अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम यासिफ हूँ और मुझे कितने कमेंट व्हाट्सअप पर ने सब जगह आते हैं कि बालों के लिए कुछ बताओ बताओ। तो ये मेरा पर्सनल बालों का फ़ोटो है, मैंने ऐसे नेट पर से कि फेसबुक से किधर से भी लिया नहीं है, मैंने नेचुरल वाले उसका पिक डाली हूँ कि आपको मेरे पर ट्रस्ट आए और जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ वो आप पे करें तो इंशाल्लाह आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तो मैं क्या बताने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये फ़ोटो भी मेरा खुद का ज है, मेरे खुद के बाल है। तो आपके बाल पतले होंगे, काले होंगे, छोटे होंगे, तो वो ऑयल अच्छा से आपके बालों पे वर्क करेगा। और मैंने चैनल के लिए चैनल पे कंडीशनर भी बताया है, वो भी यूज़ करना। और एक कंडीशनर बाद में बताऊंगी। तो चलो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता। ऑयल बनाने के लिए क्या चाहिए, ये दो प्याज चाहिए। तो इसके ऊपर की स्किन निकाल के इसको काट के इसको ऐसा मिक्सर में डाल के इसको बारीक पीस लेने का है। इसमें पानी बानी कुछ नहीं डालने का, सिर्फ मिक्सर में पीसने का है और छलनी से इसको छानने का है। तो आप छान लोगे तो आपको ऐसा लिक्विड या पानी मिलेगा। इसमें कुछ मैंने नहीं डाला, पानी बानी नहीं है, मुस्ता प्याज का ये रस है। और दूसरा इसमें कैस्ट्रोल आप देख सकते हो, जिसको कैस्ट्रोल भी बोलते हैं और एरंडिया के तेल भी बोलते हैं। और मेरी देखो खत्म होने छोड़ने को आई है थोड़ी सी, तो ये अभी इसमें डालती हूँ। एक टीस्पून जितना। और ये नारियल का तेल है, आप देख सकते हो, तो ये नारियल का तेल। बस बहुत इजी है। अभी बाजार में बहुत बालों लंबे करने के लिए ऑयल और शैम्पू और कंडीशनर ने मिलते हैं, पर महंगे भी बहुत रहते हैं, 300-400 राउंड रहते हैं। और फिर इतना हमेशा मैं बोलती हूँ लेना करना, इससे अच्छा ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो इससे क्या होगा, प्याज में ऐसे गुण होते हैं जो आपके बाल को जल्दी लंबा करने में और काला करने में हेल्प करेगा। और जो ये कैस्ट्रोल है जो अभी खत्म हो गई है बेचारी, तो कैस्ट्रोल में क्या होता है, एक डेंड्रफ को भी दूर करता है, बालों को जल्दी उगाने में हेल्प करता है। और नारियल का तेल तो रोज सब यूज करते जे हम घर में, तो ये सब मिला के आप बालों में लगाओगे ना तो आपके बाल की ग्रोथ जल्दी बढ़ने लगेगी। और ये टिप्स बहुत अच्छी है। तो आप फिर बोलो कि ये प्याज वाला तेल बालों में डालेंगे तो फिर बाल में बास और ये वो आएगी। तो इसके लिए भी मैंने एक कंडीशनर बताया जो चाय का पानी का है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो नींबू डाल के आप वो कंडीशनर करोगे ना तो आपके बाल में से वो ऑनियन की बास नहीं आएगी, मतलब प्याज की बास नहीं आएगी। और रोज रोज वो कंडीशनर में नींबू मतलब लेमन ऐड मत करना, क्योंकि फिर वो भी थोड़ा साइट्रिक होता है, तो फिर वो भी बालों को ड्राई भी कर सकता है और नुकसान भी हो कर सकता है। तो ओनली चाय का पानी यूज करना। और दूसरा वो चाय के पानी से भी बाल आपके सॉफ्ट और शाइनिंग होंगे। और दूसरा एक कंडीशनर इंशाल्लाह मैं बताऊंगी ना, जिसके बाल जिससे आपके बाल लंबे तो होंगे और सॉफ्ट और सिल्की तो होंगे, साथ में लंबे भी ग्रोथ उसकी बहुत होगी। वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पर उसका वीडियो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी। पर ये ऑयल जरूर यूज करना, मुझे बहुत कमेंट आए थे व्हाट्सएप पर और मैंने मेरे बालों का फोटो फेसबुक पे डाला था। तो ये मैं बोली आज इसका वीडियो बना लूं, मुझे बाल में तेल डालने का है, तो आज इसका वीडियो बनाया। इंशाल्लाह आप जरूर ट्राई करना और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है याद से मुझे कमेंट में बताना। और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब और बेल का निशान भी दबाना। और ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, ये कैस्ट्रोल है, आप देख सकते हो, इससे साइज छोटी भी आती है। फिर अभी मुझे आदत है तो मैं बड़ी ली हूँ। तो ये आप यूज जरूर करना, बहुत अच्छा है बालों के लिए ऑयल। और कैसा लगता है वो भी मुझे बताना। और जब आप एक बार ये कौन सी भी एज में आप लगा सकते हो, और आपके बाल व्हाइट होंगे तो काले भी चालू हो जाएंगे होना। और 20 की 30 की 10 की 15 कौन सी भी एज, 50 40, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं है। और प्याज हम कच्चा जे कच्चे को ऐसा मिक्सर में काटने का है और फिर बाद में इसका ये मिक्सर में घुमाने का, और बाद में छन्नी से छान के इसका जूस निकाल लेने का। इसमें पानी वानी ऐड करने का नहीं है। तो ये नुस्खा कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, ऐसे मुझे कमेंट में बताना। और बाल लंबा आपको चाहिए तो थोड़ा ये तो करना पड़ेगा। हाँ, और ये ऑयल को हम बना के फ्रिज में के 8-10 दिन के लिए रख नहीं सकते। जब भी आपको यूज करना हो तो फ्रेश बना के फ्रेश ये यूज करना ऑयल। और कितने कितने के बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, तो हम पूछते हैं क्या यूज करते हो, तो नहीं नहीं मैं कुछ यूज नहीं करती ऐसा बोलते हैं। पर मैं जो यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको मेरे पर ट्रस्ट भी आए। तो
तो यहाँ से मुझे कमेंट में बताना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।